नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऊन के एड़ी वाले प्रॉपर मोजे बनाने सिखाऊंगी। इसके लिए हमें कम से कम 100 ग्राम आप ऊन ले लें, बच जाएगी तो कोई बात नहीं, कम नहीं पड़नी चाहिए। और ये मैंने 2.5 इंच का बॉर्डर बनाया है, और इसमें मैंने, क्योंकि ये मेरी मोटी ऊन है, तो मैंने इसमें 50 फंदे डाले हैं। तो 2.5 इंच का बॉर्डर बना लिया है ये मैंने, और ऊपर करीब 3.5 इंच का मैंने बुन लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एड़ी कैसे बनाते हैं। एड़ी बनाने के लिए हमें आधे आधे फंदे करने हैं। अगर 50 फंदे हैं तो 25 इधर 25 उधर, 25 फंदों में हम एड़ी बनाएंगे, और 25 फंदे में आगे चल के पंजा बनाएंगे। ये हम नीचे से एक फंदा इधर और एक फंदा इधर घटा घटा के हम यहां तक ले आए हैं, और हमें 7-7 फंदे दोनों तरफ से घटा दिए हैं, और हमें 8 फंदे घटाने हैं। ये इस तरीके से घट गए हैं, इधर से आपको सीधी तरफ से मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे घटते हुए यहाँ तक आ गए हैं। उसके बाद इन्हीं फंदों में से हम फंदे, जितने फंदे हमने घटाए हैं उतने ही फंदे हम लेके यहाँ तक बुनेंगे, फिर हमारी ये एड़ी कंप्लीट बनेगी। ये आप देख रहे हैं कि हमारी एड़ी बनने वाली है। तो एड़ी बनाने के लिए पहले हमने एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से 8-8 फंदे दोनों तरफ से घटाए, और बीच में हमारे 9 फंदे बचे। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने फंदे घटाए वहीं से एक एक फंदा लेके हमें बढ़ाने हैं, और उसको एडी को फिर आगे बढ़ाते जाना है। और जब जैसे हमने 8 फंदे घटाए हैं उसी हिसाब से हम 8 फंदे इसमें बढ़ाएंगे, और ऊपर तक हमारी एडी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हमारी एड़ी बन के तैयार हो गई है, आप सामने से देख रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एड़ी बनाने के लिए पहले हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए आएंगे, और इस तरीके से हमने 8-8 फंदे दोनों तरफ से घटाए हैं, बीच में हमारे बचे 9 फंदे। फिर हम दोबारा से एड़ी को फोल्ड करने के लिए एक एक फंदा दोनों तरफ से हमने वहीं से बढ़ाया है जहाँ से हमने घटाया। ये आपको लाइन बनी हुई दिख रही होगी, ये जो लाइन बन रही है, ये पहले यहाँ से घटते हुए आए फिर यहाँ से बढ़ते हुए जाएंगे। बढ़ाने के बाद फिर हम उतने ही फंदे पे आ गए जितने हमारे थे बीच में, 25 फंदे। अब हम इन 25 फंदों के साथ ये दूसरे जो पंजे के लिए हमने फंदे छोड़े इनको मिला के बुनेंगे, और जो ये वाला हिस्सा है हम इसको बुनेंगे 5 इंच। 5 इंच के बाद इसमें पंजा बनाने के लिए हम इसमें 6 फंदे घटाएंगे, लेकिन घटाएंगे दोनों तरफ से एक एक करके, जैसे कि हमने एड़ी के लिए घटाए थे। उसके बाद फिर मैं आगे जब पंजा बन जाएगा जब आपको बताऊंगी। बहुत दिनों से वो दिख नहीं रही पगड़ी से।
50 फंदे डाल लिए और दूसरी सॉक्स के लिए। इसके लिए भी मैं बोल दूंगा। ये 50 फंदे डाल लिए और इसकी पहली सिलाई सीधी प्लेन उतारेंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा फंदा बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद 3 इंच बॉर्डर बनाने के बाद फिर वो सादा बुनेंगे प्लेन डिजाइन डालकर, फिर उसके बाद एड़ी बनाएंगे, फिर थोड़ा बुनकर 5 इंच फिर पंजा बनाएंगे। तो मैं दूसरा भी फिर दिखाती हूँ आपको। ये दूसरे सॉक्स का बॉर्डर बन चुका है दोस्तों, और ये इसके बराबर ये बॉर्डर है, ये इसके बराबर। अब इसके आगे मैं ये 1 2 3 लाइन डालूँगी इस ऊन से, फिर उसके बाद एड़ी बनाऊँगी। इसमें ये है दूसरे में कि एक एड़ी हमने इधर बनाई है, तो एक एड़ी हम दूसरे इधर बनाएंगे। बस दोस्तों अब मैं इसमें दूसरे वाले सॉक्स में एड़ी बनाने जा रही हूँ। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर एक साइड इधर एड़ी है तो दूसरी साइड इधर एड़ी है, दोनों साइड इस तरह से बनेंगी। तो इसमें मैं पंजा बनाऊँगी और इसमें एड़ी बनाऊँगी, तो फिर दोनों साइड की सिलाई जैसे इस तरह से है ये, तो इधर मैं पंजा बनाऊंगी और इधर एड़ी बनाऊंगी, तो डिफरेंट अपोजिट साइड में ये एड़ियां बनेंगी। तो जब मैं ये पूरा बन जाएगा तब मैं फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारी एड़ी बन चुकी है हील। इधर से हमने घटाए फंदे, ये फंदे घटाए और ये हमने बढ़ाए। इसे बनाने के बाद हमने यहां से ये 4.5 इंच बना लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बना लिया है। अब इसमें हम पंजा बनाएंगे अंगूठे उंगलियों के लिए, तो जिस तरह से हमने एड़ी बनाई है वैसे ही हम वो बनाएंगे। और इसमें हमने 8-8 फंदे घटाए और पंजे में हम 7-7 फंदे घटाएंगे। लेकिन इधर अगर हमने एड़ी बनाई है इधर के फंदों में एड़ी बनाई है और इधर के फंदों में हम पंजा बनाएंगे, तो हमारे 50 फंदे हैं, तो 50 में इधर छोड़ दूंगी और इधर पंजे बनाना शुरू करूंगी। तो पहले बुनने के बाद मैं 50 इधर छोड़ देती हूँ।
ये मैंने 25 फंदे इधर बुन लिए हैं और 25 फंदे इधर, 25 ये हैं और 25 मेरे ये हैं। इन फंदों में मैं फ्रंट बनाऊंगी पंजे अंगूठे का। तो अभी इसे पूरी सिलाई को उतार कर इधर से शुरू करूंगी घटाने। इधर से हम बनाएंगे पंजा, तो दो का एक करेंगे, एक और ये दो, तो दो फंदों को एक साथ बुन देंगे तो ये घटाना बोलते हैं इसको। एक फंदा ये घटा दिया, अब बनाएंगे 25 फंदे, एक इधर से, एक यहाँ घटाएंगे और एक यहाँ घटाएंगे। एक हमने यहाँ घटा दिया और दो का एक यहाँ कर देंगे ये। अब इधर इन्हीं फंदों को, 25 फंदों को ही बुनेंगे, इनको छोड़ देंगे, जो एड़ी के फंदे हैं इन्हें छोड़ देंगे और इन पे बनाएंगे। इस तरह से घटाते हुए 7 फंदे इधर घटाएंगे और 7 इधर घटाएंगे। देखिए दोस्तों, ये अंगूठी के लिए बनाया है हमने, उस एड़ी के लिए 8-8 फंदे घटाए थे, इसमें हमने 7-7 फंदे घटाए हैं, तो 6 घटा चुके हैं और 7वां ये। ये देखिए, ये 7 फंदे यहाँ पर घटा दिए और 7 यहाँ घटा दिए। जैसे हमने घटाए उन्हीं को उठा लेंगे, उन्हीं को उठा लेंगे। जैसे ये है, अब उठाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे ये हमने घटाया है तो इसी को उठा लिया, इस तरह से सिलाई को इसके अंदर डाला और ये बुन लिया, इसे बुन के फिर ये बुन लिया। जैसे हमने ये बना रहे हैं वैसे ही एड़ी बनाई है, ये बनना लिया और जो हमने घटाया था ये यहाँ से देखिए इसे लिया और ये बुन लिया। इसी तरह से बार बार एक इधर से उठा ले, बना ले लेंगे फंदा, एक इधर से ले लेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे 25 फंदे। देखिए अब एक फंदा ये उठाया था, फिर एक फिर उठा लिया हमने। फिर से बुन लेंगे। फिर जो ये हमने घटाया था यहां से फिर उठा लिया इसे। इसी तरह से जैसे हमारी ये एड़ी बनी है ऐसे ही हमारा ये पंजा बन जाएगा। ये बन गया है फ्रंट का बिट दोस्तों। अब हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं 25 फंदे, और 25 फंदे हमारे ये हैं। अब हम इसको इस तरह से मिलाकर इसको जोड़ देंगे, एक सिलाई और लगाकर इसे जोड़ देंगे। अब एक फंदा हम इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे। एक इधर से इसमें लेके और एक ये, अब 3 एक साथ। एक इधर से और एक इधर से ये ले लिया और एक ये भी डाल लिया।
ये देखिए ये जुड़ता हुआ जा रहा है, एक इसमें से दोनों सिलाइयों में से तीन सिलाइयां यूज करते हैं इसमें जोड़ने में। ये सिलाई हो गई है, अब इसके साथ ये जोड़ देंगे। ये सिल गया है दोस्तों, अब इसे सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये सिलाई हो गई है, इधर से ये तैयार हो गया है। अभी मैं दूसरा भी बनाते हुए फंदे डालते हुए दिखाऊंगी आपको, एक हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के एक सामने घंटे उसे टिंग 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 कर देना। ओके बाय, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे।